इन सभी रुमालों को अगर एक साथ बांधा जाए तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैसलमेर एपिसोड 3 में। जैसा कि पिछला एपिसोड था कि हम यहाँ पर डेजर्ट में रुके हुए थे रात में, और सोना भी डेजर्ट के ऊपर ही था और कोई भी छत नहीं थी। सो वो वीडियो काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें, आपको यहाँ पर आई बटन में दिख रहा होगा राइट साइड में टॉप में, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम सम डेजर्ट से एक और प्रसिद्ध स्थान जो कि विश्व प्रसिद्ध है भारत पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय तन्नोट वाली माता मंदिर जो कहा जाता है वहाँ पे कई गोले दागे गए थे और उसमें से एक भी गोला फटा नहीं। सो ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और आर्मी के लिए भी चमत्कार से कम नहीं है। तो आर्मी ने उनकी पूजा की और हमेशा हमेशा उन्हें मतलब खुद के संरक्षण में या फिर उसका जो मंदिर की हिफाजत है वो करना स्टार्ट किया। वहाँ पर आपको पुजारी भी जो मिलेंगे वो आर्मी के ही पुजारी मिलेंगे और आर्मी ही वहाँ की पूजा करती है, सुरक्षा करती है और देखभाल करती है, क्योंकि बॉर्डर से 8 किलोमीटर के आसपास ही है वो। सो वहाँ पर कुछ इस तरह का दृश्य है। सो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वहाँ जाना चाहिए। सो चलिए चलते हैं, मैं आपको रूट बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हैं हम डेजर्ट कैंप्स में और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। ये जो दिख रहा है आपको ये ड्यून्स है, कुछ इस टाइप के दिखते हैं ड्यून्स और इन्हीं रेतों के बीच सोना होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह की रेत रहती हैं और आप पिछले वीडियो में देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आते हैं कनोई। कनोई के पास ही सारा सम जो है डेजर्ट है और कनोई से हमने लेफ्ट लिया और सीधा हम कनोई से होता हुए हम सीधे आ गए स्थिरवा होते हुए जोगा और जोगा से आ गए रामगढ़। रामगढ़ तो आपने सुना होगा, गब्बर जो रहता है, लेकिन ये वो वाला रामगढ़ नहीं है, वो साउथ में है और ये जैसलमेर में है। सो यहाँ पर आने के बाद देखिए रामगढ़ से दो रास्ते निकलते हैं। हमारी जो ड्रीम लिस्ट में था ये तनोट भी था और लौंगे वाला भी। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ से दो रास्ते गए हैं, एक लेफ्ट में जो जा रहा है ये देखिए आप, ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये है लौंगे वाला की ओर जाता है और ये जो सीधा जा रहा है ये तनोट की ओर जाता है। मतलब आगे जाने के बाद दो रास्ते मिलते हैं। सो दोनों साइड से ही आप जा सकते हैं। फिलहाल हमने सीधा तनोट जाना सोचा और तनोट के बाद हमने लौंगे वाला, लौंगे वाला का वीडियो अगला वीडियो जो होगा लौंगे वाला। सो गाइज हम लोग अभी इस दुकान पर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किए हैं और इस साइड है रामगढ़ जो कि यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बाइक है, भाई साहब हैं और यहाँ पर मैं हूँ। सो ड्राइव करके जा रहे हैं और दूर दूर तक जहाँ तक भी देखेंगे, हमने जैसा सुना है कि रेगिस्तान में कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो थोड़ी बहुत पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको और सीधी सड़क जा रही एकदम स्ट्रेट, मतलब मुड़ना ही नहीं है। सो यही कहानी है फिलहाल इस समय और एज सुन एज पॉसिबल जैसे पहुँच के मैं आपको अपडेट करता हूँ। Around is a masterpiece. Just open the eyes of your own heart. The trials of life. फिलहाल इतना सफर तो तय कर लिया इसी बाइक में और आगे कुछ इशू ना आए इसी। ये जो टावर दिखाई दे रहा है आपको ये इतना बड़ा है, यहाँ से इस टावर के बारे में ऐसा पता चला अभी मुझे जैसे कि इन्होंने बताया 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर का टावर है और कैचिंग इसकी जो थी वो पाकिस्तान तक भी कैच करता था, मतलब वहाँ के चैनल यहाँ आते थे, यहाँ के चैनल वहाँ दिखाई देते थे, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का इनाम भी रखा था जो इसे पेंट करेगा, लेकिन कोई कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। किशनगढ़ कहाँ आता है? किशनगढ़ से आगे मतलब वो लास्ट गांव है ना किशन बॉर्डर के पास। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
सो वो है धर्मशाला टाइप का, वहाँ सोना वगैरह सब कुछ कोई चार्ज नहीं है। ये जो वॉशरूम वगैरह बना है यहाँ भी नहा सकते हैं, और इधर देख लीजिए साफ सुथरा वॉशरूम है, तो यहाँ नहाया वगैरह जा सकता है। और तो काफ़ी बढ़िया नहा अभी तक का सफ़र, चलिए दर्शन करने। सो लेट्स सी, और चार्जिंग पिन वगैरह भी है सब कुछ। सो वहाँ पे हमने मतलब नहाना वगैरह करा है, और ये है धर्मशाला टाइप का, यहाँ बैठ सकते हैं आराम कर सकते हैं। और उसके बाद ये है मातेश्वरी श्री तनोट माता मंदिर। सो अब मैं इसके आगे जहाँ तक कैमरा पॉसिबल होगा दिखाऊंगा, मोबाइल पॉसिबल होगा दिखाऊंगा, और इस साइड से हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो रुमाल दिख रहे हैं आपको, ये मन्नतों के लिए बांधा गया है। सो अगर आपकी भी कोई मन्नत है तो जरूर बांधिएगा। ये जो बॉम्ब देख रहे हैं आप, यही वो कारतूस हैं जो कि तोप के द्वारा गोले दागे गए थे, और एक भी गोला उसमें से उस परिसर मंदिर परिसर में जो गिरा वो फटा नहीं, आज भी इसी तरह लाइव है। हालांकि इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है, बट उसी तरह जिंदा रखा गया है। सारे बैरिक्स उड़ गए। लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। रतन सिंह साहब जी, जीत हमारी जरूर होगी, क्योंकि माँ हमारे साथ है। तो ये है मंदिर परिसर, और चलिए ये मैं इस कुएं के बारे में बताता हूँ। एक वीडियो आप देखिए अभी। और जो वीडियो अभी आपने देखा वो इस जगह में है जो बॉम्ब वगैरह गिरते सारे। सो यहाँ पर ये कुआं है, फिलहाल पानी तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ये है जो बांधी गई है मेरे द्वारा। और आई नो कि यू आर वॉचिंग, सो समझ लेना। चलिए चलते हैं। काफ़ी बढ़िया है मंदिर है, अगर आपको चांस मिलता है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में आके जो शांति मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। एक तो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है, और बहुत शक्तिशाली है। बम का ना फटना ही एक बहुत बड़ी बात है अपने इसमें, कि वाकई में यहाँ पे माता जी का जो है। सो मैं रिकमेंड करूँगा, और मैं फील मतलब बहुत आज प्राउड भी फील हो रहा है कि मैंने ना इस जगह पर आकर और दर्शन कर लिए यहाँ के। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी का सपोर्ट है मेरे साथ, तो डेफिनेटली मैं और भी जो जगह है वो भी कवर कर पाऊँगा आप लोगों की वजह से। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी हमारी, वो होगी लोंगेवाला पोस्ट। वहाँ पर क्या सीन होता है, क्या होता है, हम देखकर आपको जरूर। और यहाँ से हमने दो रास्ते दिखाई दे रहे होंगे आपको जब हम रिटर्न आए थे। एक जा रहा है वापस रामगढ़, और एक जो लेफ्ट राइट साइड में जा रहा है वो जाता है लोंगेवाला पोस्ट। तो हमने फिर इसके बाद लोंगेवाला पोस्ट के लिए रुक किया, और जो है वो आप देखेंगे अगले वीडियो में। सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला की तरफ आ रही है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। उस साइड से जो है पाकिस्तानी सैनिक आ रहे थे, ये इस साइड से आ रहे थे, और ऑलमोस्ट इतना क्रॉस कर लिया था।